प्रणिपात, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आप लोग भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो और आपको कुछ प्रोसेस नहीं पता ठीक से, तो यह वीडियो ज़रूर आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज की पूरी जो डिपार्टमेंट के बारे में, वहाँ के एग्ज़ाम के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कैसे कैसे डिपार्टमेंट है, क्या क्या एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारे प्रोसेस में डिटेल डिस्कस करूँगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। सो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ड्राइंग रिलेटेड सभी वीडियोज़ देखने के लिए। सो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सो मैं डिस्कशन शुरू करूँगी, कॉलेज के नाम पहले बता देती हूँ। कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि पार्क स्ट्रीट एरिया में है, कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल स्टेट। कॉलेज का वेबसाइट है gcac.edu.in। आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो, आज मैं जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज की बात कर रही हूँ वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज है। दूसरे स्टेट के भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज बहुत सारे होते हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगी। मैंने पहले वीडियो में कुछ डिटेल बता दिया था, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। आज मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल में। जो आर्ट कॉलेज होती है ड्राइंग या पेंटिंग को लेकर, वहाँ पर सिर्फ पेंटिंग या ड्राइंग का एकमात्र डिपार्टमेंट नहीं होता। वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के पेंटिंग ड्राइंग वगैरह होते हैं उनके, तो मैं उन सबको डिस्कस करूँगी। डिपार्टमेंट चूज़ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसको लेकर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं वो पहले ही कुछ नहीं समझते। मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया था पहले, कुछ मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपके चॉइस वाइज, आपका जो आप काम करते हैं जिस टाइप के, उसके वाइज आप डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो डिटेल वर्क है वो आप अच्छी तरीके से कर पाए। सो, कितने डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में? वहाँ पर BFA में है 7 डिपार्टमेंट। पहले पेंटिंग डिपार्टमेंट, तो पेंटिंग के 2 डिपार्टमेंट है, एक है पेंटिंग इंडियन स्टाइल और एक है पेंटिंग वेस्टर्न स्टाइल। तो वहाँ पर जो इंडियन स्टाइल होगी, वहाँ पर आपको जो इंडियन स्टाइल के बहुत सारे पेंटिंग आपको देखने को मिलते हैं, वैसे काम आप वहाँ पर कर पाएंगे। और जो वेस्टर्न स्टाइल होगी, वहाँ पर जो वेस्टर्न स्टाइल के जो जैसे पेंटिंग होती है वैसे काम होगी। तो बहुत लोग इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है, पेंटिंग के 2 डिपार्टमेंट, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आते हैं स्कल्पचर, मॉडलिंग एंड स्कल्पचर डिपार्टमेंट। आपको पता ही होगा, स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं या फिर स्टैचू वगैरह बनाते हैं, वैसे काम होते हैं, क्ले से होता है और स्टोन में भी होता है, मार्बल। जो लोग मूर्ति वगैरह बनाते हैं या फिर आप लोग मॉडलिंग ये सब मूर्ति वगैरह बनाने का काम करना चाहते हो, स्टैचू वगैरह, तो उसके लिए है स्कल्पचर डिपार्टमेंट। सो, अगर आप उस काम में इंटरेस्टेड हो तो आप स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कई हद तक जो फैशन डिज़ाइनिंग होती है उसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर पेंटिंग और डिज़ाइनिंग की पार्ट बहुत थोड़ी सी ज़्यादा है। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जो क्लोथ वगैरह होती है, ड्रेस वगैरह बनाया जाता है, स्टाइलिश ड्रेस, उस पर डिज़ाइन वगैरह किया जाता है, तो वैसे काम होते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। तो आप में से जो लोग क्लोथ में डिज़ाइन करना पसंद करते हैं या फिर टेक्सटाइल जैसा या फिर फैशन डिज़ाइनिंग की तरह काम करना पसंद करते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह बनाते हैं, उनके लिए है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। अगर आप चाहो तो वहाँ पर ले सकते हो एडमिशन। सो, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिज़ाइन वुड एंड लेदर। मैं इस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, तो वुड एंड लेदर नाम से ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर वुड और जो लेदर उनके ऊपर काम होती है। तो बहुत सारे आर्ट कॉलेज है और भी, वहाँ पर ये डिपार्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में आपको देखने को मिलता है। तो वुड के जो बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं, मूर्ति वगैरह, कुछ चीज़ वगैरह, उसका काम होता है। इसके अलावा लेदर के ऊपर लेदर पेंटिंग, लेदर का बैग, ये सब बनाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। तो लेदर की पेंटिंग आपको काफ़ी कॉलेज में ये सब नहीं देखने को मिलता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लेदर के ऊपर पेंटिंग करने के लिए, उसके ऊपर लेदर का बैग या फिर वुड के जो चीज़ बनाए जाते हैं उनका काम करना चाहते हो, वुड क्रेविंग वगैरह, तो आप वुडन लेदर डिपार्टमेंट में आ सकते हो। उसके ऊपर बहुत सारे डिज़ाइनिंग के वर्क होती है। सो, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी ज़्यादातर कंप्यूटर के ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, लोगो वगैरह बनाया जाता है, पोस्टर, तो वो सब काम होती है, डिजिटल ड्राइंग जो होती है वो सब। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो या फिर डिजिटल आर्ट करने में, तो आप ग्राफिक डिज़ाइन में जा सकते हो। सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सेरामिक्स एंड पॉटरी। तो ये डिपार्टमेंट भी आपको कई कॉलेज में नहीं देखने को मिलता। इसमें जो पॉटर पॉटरी होती है या फिर जो एंटिक पॉट्स वगैरह बनाया जाता है सेरामिक्स का, वैसे काम होते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पॉट बनाने में, सेरामिक्स के काम करने में, तो आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। सो गाइस, ये थी BFA की जो डिपार्टमेंट है उनके नाम। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर्स की डिग्री भी होती है। तो मास्टर डिग्री में ये सारे डिपार्टमेंट है, 7 डिपार्टमेंट जिनका मैंने नाम बताया। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट भी है जो कि है प्रिंट मेकिंग, यानी कि जो प्रिंट के काम होते हैं, लिनो कट होती है, लिनो से जो प्रिंट वगैरह बनाया जाता है, उसका काम इस डिपार्टमेंट में होता है। तो अगर आप BFA के बाद कहीं और कॉलेज से आ रहे हो मास्टर्स करने में, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो प्रिंट मेकिंग में, तो आप उसमें जा सकते हो। सो गाइज, ये थी BFA में 7 डिपार्टमेंट और मास्टर्स में 8 डिपार्टमेंट के नाम जो मैंने आपको बताया। सो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको जान लेना होता है कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर है, आपको इंटरेस्ट किस में है, ताकि आप बाद में एडमिशन लेने के बाद ना सोचो कि ये डिपार्टमेंट में जाता तो मेरी पसंद का काम मिलता, ये ना सोचना पड़े। तो पहले आप डिसीशन ले लो। सो अब डिस्कस करते हैं, जो मैंने डिपार्टमेंट का नाम बताया ये तो हो गए अलग डिपार्टमेंट, लेकिन कितने दिनों का ये डिग्री होती है तो वो मैं डिस्कस करती हूँ। ये बहुत लोगों को डाउट है कितने दिनों का डिपार्टमेंट कोर्स होता है या फिर डिपार्टमेंट की डिग्री होती है। तो BFA मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो मैंने 7 डिपार्टमेंट का नाम बताया, सब में 4 ईयर्स का डिग्री होती है। मतलब जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो 3 ईयर्स, यहाँ पर होती है 4 ईयर्स। मेडिकल या इंजीनियरिंग में भी 4 ईयर्स होते हैं, कहीं पर तो 5 ईयर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर है 4 ईयर्स। पहले जो ईयर होती है वो होती है फाउंडेशन, यानी कि सारे डिपार्टमेंट मिलाकर जितने स्टूडेंट होते हैं सब एक साथ क्लास करते हैं, और सभी को एक ही चीज़ ड्रॉ करना पड़ता है या फिर जो सीखना पड़ता है सब एक करते हैं एक साल के लिए, वो होता है फाउंडेशन। नेक्स्ट ईयर से बाकी के जो 3 ईयर्स है वो है स्पेशलाइजेशन। मतलब एक ईयर फाउंडेशन हो गया, जो सेकेंड ईयर में आप जाते हो, तो सेकेंड ईयर से आपका जो डिपार्टमेंट वो डिवाइड हो जाता है। आप जो डिपार्टमेंट में हो वहाँ पर आप चले जाते हो, और आपको स्पेशल जो डिपार्टमेंट वाइज जो वर्क होती है, काम वगैरह होती है, वो आपको अलग से करना पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो सारे डिपार्टमेंट के नाम मैंने आपको बताए, सब अलग अलग तरीके का काम, क्ले मॉडलिंग अलग, जो डिज़ाइनिंग वो अलग, वुड के काम अलग, लेदर के काम अलग, सिरामिक्स अलग, पेंटिंग अलग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पेंटिंग में जा रहे हो तो आपको सिर्फ पेंटिंग ही करना है। आप डिज़ाइन वुडन लेदर में हो तो आपको सिर्फ वुड का काम ही हो रहा है, लेदर का काम हो रहा है। सिरामिक्स में हो तो सिर्फ पॉट बना रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइन में हो तो सिर्फ डिजिटल वर्क कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो सिर्फ स्पेशलाइजेशन क्लास होती है डिपार्टमेंट वाइज, ये काम स्पेसिफिक करके। इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट को स्केच, ड्राइंग, मॉडल स्टडी, पेंटिंग, वाटर कलर सब कुछ करना पड़ता है सारे डिपार्टमेंट को। फाउंडेशन में तो सब करते ही है एक साथ, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट जब अलग हो जाती है सेकेंड ईयर से, अब आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, पेंटिंग में हो तो पेंटिंग कर रहे हो इंडियन पेंटिंग, उसके साथ आपको स्केच, मॉडल स्टडी जो हम करते हैं पेंसिल से, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो तो डिजिटल वर्क ही कर रहे हो, वहाँ पर कोई पेंटिंग नहीं है, डिज़ाइनिंग नहीं है, टेक्सटाइल कर रहे हो तो सिर्फ कपड़े के ऊपर, क्लोथ के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में सब कुछ, थोड़ी सी ज़्यादा पेंटिंग के ऊपर, स्केच के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये तो आपको करना ही होगा, ये कंपलसरी है, स्केच, पेंटिंग, वाटर कलर वगैरह, ऑयल पेंटिंग, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ आपका जो डिपार्टमेंट है उसका काम भी आपको करना पड़ेगा। सो कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं सारे जो ईयर है 4 ईयर तक, सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग नहीं, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है। थ्योरी मतलब जो आप आर्ट के ऊपर पढ़ रहे हो, मटेरियल्स, ये सब थ्योरी पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट, जो आप आर्ट के ऊपर पढ़ रहे हो उसका हिस्ट्री, जैसे कि इंडियन आर्ट की हिस्ट्री, वेस्टर्न आर्ट की हिस्ट्री, बहुत सारे हिस्ट्री है, जापानीज़ आर्ट की हिस्ट्री, कैसे कैसे वो लोग करते थे, तो ये थ्योरी वगैरह भी पढ़नी पड़ती है। सो जो 4 ईयर की डिग्री होती है वहाँ पर सेमेस्टर वाइज होती है, और जो बोर्ड है वो है CBCS सिस्टम के अंदर चलता है, जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज की एग्ज़ाम वगैरह है या फिर जो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सब CBCS को फॉलो करके होती है। तो CBCS के अंडर होती है सब कुछ, और सेमेस्टर होती है 8, मतलब 6 मंथ का सेमेस्टर होती है, तो 4 ईयर में आपका 8 सेमेस्टर होता है। सो गाइज, ये तो थी कैसे कैसे डिपार्टमेंट है, आपको
कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए या फिर कैसे क्लास होती है, कितने ईयर की होती है, सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आप डिस्कस करते हैं। आपको एडमिशन लेना कैसे है, प्रोसेस क्या क्या है कॉलेज के एडमिशन लेने की, और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में, तो आपको HS या फिर क्लास 12 पास होना पड़ेगा। जैसे आप बाकी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आपको जाना होगा वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे, जो कि है gcac.edu.in। उसको आप चेकआउट कर लो अभी से। जब अपडेट आएगा, फॉर्म निकलेगा, वहाँ पर आपका नोटिस आ जाएगा वेबसाइट में कि फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लो, जो जो डिटेल वगैरह ऑनलाइन वो मांगेंगे वो सब आपको देना पड़ेगा। उसके कुछ दिन बाद आपका जो वेबसाइट में ही आपको चेक करना होगा जो एडमिट कार्ड आपका वो आ जाएगा। एडमिट कार्ड वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको प्रिंट आउट कर लेना है। सो एडमिट कार्ड आने के बाद जो डेट वो लोग आपको देंगे या तारीख आपका देंगे एडमिशन टेस्ट के लिए, उस तारीख में आपको कॉलेज में जाना होगा, जो कि पार्क स्ट्रीट में है, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में आपको जाना होगा एडमिशन टेस्ट देने के लिए। सो अब आते हैं मेन डिस्कशन पर, जो कि बहुत लोग पूछते हैं, उनको बहुत डाउट है, उनको ठीक से जानकारी नहीं है, तो अब मैं वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो एडमिशन टेस्ट कैसे होती है वहाँ पर? वहाँ पर दो तरीके की टेस्ट आपको लिया जाता है ड्राइंग के ऊपर। पहली बार जो आप एडमिशन टेस्ट देना चाहते हो जिस दिन, उस दिन ही आपका दो एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में। सो मैंने यहाँ पर रख दिया है जो दो ड्राइंग, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखा है। सब स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम देते हैं, 7 डिपार्टमेंट है, तो 7 डिपार्टमेंट की जो एक कंपलसरी एग्ज़ाम सबके लिए होती है वो है मॉडल स्टडी। मतलब आपके सामने एक मॉडल या इंसान जो बैठा रहेगा, उसको देख के आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से, वो भी लाइन ड्राइंग, कोई शेडिंग नहीं, कोई ब्लेंडिंग नहीं, सिर्फ लाइन से ड्रॉ करके आपको लाइट डार्क एरिया बताना है। तो जैसे कि ये मैंने रखा है यहाँ पर मॉडल स्टडी का एक ड्राइंग, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको शेडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन वो तो डिटेलिंग वर्क है, वैसा नहीं करना है, आपको सिर्फ लाइन से ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग मॉडल स्टडी सबके लिए कंपलसरी है, मतलब आप जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, ग्राफिक्स डिज़ाइन हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, सबको ये मॉडल स्टडी करना ही होगा, ये सबके लिए कंपलसरी है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो अभी से कि एडमिशन देने जाना है, तो कुछ दिन बहुत अच्छी तरीके से जो ह्यूमन फिगर है उसका एनाटॉमी, उसका फिगर वगैरह ड्रॉ करना प्रैक्टिस कर दीजिए अच्छी तरीके से। सो कंपलसरी एग्ज़ाम तो हो गया मॉडल स्टडी। उसके अलावा जो डिपार्टमेंटल वाइज जो एग्ज़ाम है, एक और एग्ज़ाम जो आपको उसके बाद देना होता है, वो होती है आपके जो डिपार्टमेंट आपने सिलेक्ट किया है, जिसमें आपने अप्लाई किया है, उसके ऊपर बेस करके। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक पेंटिंग रखा है, वाटर कलर पेंटिंग, जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला ये आपको दिख रहा होगा वाटर कलर पेंटिंग। सो डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम कैसे होती है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूछते हैं, उनको ये नहीं पता होता है ठीक से, तो ये आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। सो पहले मैं बात करती हूँ पेंटिंग की। यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करूँगी वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से सुनिए। तो जैसे कि पेंटिंग डिपार्टमेंट है, दोनों ही पेंटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पर मेन चीज़ होती है पेंटिंग। तो आपको डिपार्टमेंटल वाइज जो एग्ज़ाम होती है अलग, उसके अंदर ज़्यादातर आपको वाटर कलर पेंटिंग करने को दिया जाता है। वाटर कलर पेंटिंग होती है कॉम्पोजिशन पर, मतलब आपको कोई एक सब्जेक्ट बता दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ह्यूमन फिगर से कंपोजिशन बनाना है। मिनिमम 3 फिगर्स आपको करने ही होंगे, उसके साथ एक एनिमल फिगर। तो कुछ मैं एग्जांपल बताती हूँ सब्जेक्ट की, जैसे कि इंडोर गेम, आउटडोर गेम, कुछ फेस्टिवल, रिसेंट कोई इंसिडेंट, वर्कर्स, कोई दुकान या शॉप, हॉस्टल लाइफ, कोई रोड साइड सीन। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट ड्राइंग आप में से बहुत उन्हें किए होंगे, तो सब्जेक्ट ड्राइंग बहुत से होते हैं। मैंने जो नाम बताए वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको। तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कंपोजिशन के ऊपर, जो पेंटिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं वो तो सुनेंगे ही, बाकी डिपार्टमेंट भी इसको सुन ले, क्योंकि उनको भी कंपोजिशन की ज़रूरत है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। सो पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग को वाटर कलर कंपोजिशन प्रैक्टिस करना है ह्यूमन फिगर से। यहाँ पर देखिए आप, मैंने ह्यूमन फिगर से एक बाज़ार बनाया है, बाज़ार का सीन। तो ऐसे भी हो सकता है आपको जो सब्जेक्ट बोलेगा वही सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके आपको फिगर ड्राइंग और वाटर कलर करना है। नेक्स्ट आते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के ऊपर होती है, तो ज़्यादातर आपको वहाँ पर कुछ डिज़ाइन करने को देते हैं, जैसे कि 8x8, 8 इंच बाई 8 इंच,
10 इंच बाई 10 इंच कुछ भी स्क्वायर में आपको डिज़ाइन करने को देंगे और उसका आपको सब्जेक्ट बता देंगे। तो समझ लीजिए पूजा पूजा फेस्टिवल, दुर्गा पूजा या कुछ भी, तो दुर्गा पूजा को लेकर आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं, कौन से चीज़ें आपके माइंड में आती है, उन सबको इकट्ठा करके आपको डिज़ाइन या पैटर्न बनाना है। डिज़ाइन कैसा होगा, जो कि रिपीट डिज़ाइन हम बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन आपको शो करके रखा है, तो ये तो एक लिप से डिज़ाइन बनाया है, तो फूलों से भी होता है, इंस्ट्रूमेंटल होती है वेजिटेबल के ऊपर, या फिर समझ लीजिए कुछ भी टॉपिक, कार्स गाड़ी वगैरह, ट्रैफिक, कुछ पूजा पूजा फेस्टिवल, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके ऊपर उस चीज़ों को आपको लेना है, उसको आपको डिज़ाइन की तरह बनाना है, जिसको हम बोलते हैं तोड़ना पड़ता है उसको, उसके शेप को तोड़कर आपको डिज़ाइन के जैसे शेप बनाना है, उसको लेकर आपको डिज़ाइन बनाना है स्क्वायर के अंदर। उसके लिए आपको 3 कलर्स यूज़ करने को मिलेंगे, कभी भी अलाउ कर सकते हैं 4 कलर्स, लेकिन आप प्रैक्टिस करो 3 कलर के ऊपर। तो जो लोग टेक्सटाइल के ये डिज़ाइन वगैरह करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है, पत्ते फूल फूलों के डिज़ाइन सबसे करिए। इसके साथ जो मैंने कॉम्पोजिशन पेंटिंग के लिए बताया, आपको कॉम्पोजिशन भी करना है, क्योंकि हो सकता है आपको डिज़ाइन करने को ना दे। तो ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है, कभी कभी किसी डिपार्टमेंट में कॉम्पोजिशन भी दिया जाता है, तो डिज़ाइन मेन आपका फोकस नहीं रहेगा, डिज़ाइन तो आपको करना ही है। 7 डिपार्टमेंट है, तो सभी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट आप अप्लाई करेंगे, सबके लिए बोल रही हूँ, जो कॉम्पोजिशन है वाटर कलर कॉम्पोजिशन या फिर सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन, आप लोग सबको ये वाला प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा मैं जो बोल रही हूँ वो तो अलग से। तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में ये पैटर्न डिज़ाइन या फिर रिपीट डिज़ाइन आपको करने दिया जा सकता है, या फिर कॉम्पोजिशन, या फिर कुछ स्टाइलिश ड्रेस वगैरह आपको बनाने को बोल सकते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन करने को बोल सकते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस करके जाओ। नेक्स्ट आते हैं स्कल्पचर यानी मॉडलिंग एंड स्कल्पचर डिपार्टमेंट। तो जो लोग स्कल्पचर में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, उनको मैं बोलूँगी, यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो क्ले होती है यानी मिट्टी, मिट्टी से आपको चीज़ बनाने को बोलेंगे। मतलब समझ लीजिए एक वेजिटेबल यहाँ पर रखा है, या फिर कुछ स्टिल लाइफ, यहाँ पर फ्रूट स्टिल लाइफ कुछ भी चीज़ यहाँ पर आपको रख दिया आपके सामने, वो जैसा दिख रहा है उसको देखकर सेम टू सेम आपको मिट्टी से बनाना होगा। सो स्कल्पचर या मॉडलिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा मिट्टी से, ज़्यादातर मिट्टी से ही बनाने को देते हैं। इसके अलावा कॉम्पोजिशन आप मस्ट प्रैक्टिस करके जाओ। नेक्स्ट आते हैं डिज़ाइन वुडन लेदर। जो डिज़ाइन मैंने पहले आपको बताया, सब्जेक्ट फूलों से पत्तों से, रिपीट डिज़ाइन, कुछ जियोमेट्रिकल डिज़ाइन हो गया, तो वो आपको करना है, क्योंकि ये भी एक डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन वुडन लेदर। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही डिज़ाइन करने को दे सकते हैं, या फिर कॉम्पोजिशन भी दे सकते हैं, जैसे कि कारपेंटर। इसके अलावा आपको इंडोर रूम की कुछ सीन आपको दिए जाएंगे, जैसे कि घर पे कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं या फिर बैठे हैं, घर का सीन। जो मैंने पहले कॉम्पोजिशन के नाम बताए, इसलिए मैंने बताया कि सबको करना है, वो सारे सब्जेक्ट आप फॉलो कर लो। आपके पास बहुत सारे और भी सब्जेक्ट होंगे, मैं तो यहाँ इतना सारा सब्जेक्ट अभी आपको नहीं बता सकती, मैंने कुछ जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया, और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सब्जेक्ट तो है, इसके साथ मैंने जो बताया डिज़ाइन वुडन लेदर के लिए आपको डिज़ाइन कॉम्पोजिशन भी वो लोग दे सकते हैं, वाटर कलर कॉम्पोजिशन या फिर डिज़ाइन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइन। तो जो लोग ग्राफिक्स डिज़ाइन में दे रहे हैं, उनको भी वो कॉम्पोजिशन करना है, वाटर कलर दे सकते हैं, तो कॉम्पोजिशन तो सबके लिए मस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ लोगो प्रैक्टिस करना होगा अपने खुद के, कुछ कॉपी वगैरह नहीं, कि सेम टू सेम आपको लोगो करने को बोल देंगे, कुछ सब्जेक्ट आपने कुछ कहाँ से देखा होगा वो ही कर दिया होगा, वो नहीं, खुद का। तो खुद के स्टाइल से कुछ लोगो या फिर पोस्टर वगैरह बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जो मिरर इमेज होती है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ इमेज ऐसा दिया जाएगा, उसको आपको देख के ड्रॉ करना है उल्टा, मतलब मैं यहाँ पर हाथ दिखा रही हूँ, कुछ एनिमल हो सकता है, कुछ भी चीज़ आपको दिया जा सकता है कुछ ड्राइंग, उसको देख के आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है। उसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज वार्ड भी बता रही हूँ मैं आपको, हेरिटेज बिल्डिंग हो सकता है, या फिर कोई स्टाइलिश सनग्लास आपको ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, स्टाइलिश घड़ी आपको ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि जो आप खुद से बनाओगे। तो जो लोग ग्राफिक्स डिज़ाइन में जाना चाहते हो, उनको कुछ ऐसे चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है, लोगो चीज़ों के, कुछ ब्रांड या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो कि आप बना सकते हो कुछ देर स्टाइल करके, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये सब करना है, उसके साथ आपको कॉम्पोजिशन भी प्रैक्टिस करनी है। सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सिरामिक्स एंड पॉटरी। ये सिरामिक्स के ऊपर भी डिज़ाइन होती है, तो सिरामिक्स पॉटरी में भी आपको डिज़ाइन करने को बोल सकते हैं फूलों से पत्तों से। तो डिज़ाइन के ऊपर मैंने जो सब्जेक्ट बताए, जो जो डिपार्टमेंट है डिज़ाइन के, वुडन लेदर,
टेक्सटाइल डिज़ाइन, सिरामिक्स, ये सब को ये डिज़ाइन फॉलो करना है, और कंपोजिशन जो मैंने बताया वो सबको फॉलो करना है। तो सिरामिक्स के लोगों को कोई स्टाइलिश पॉट वगैरह ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, जैसे बहुत सुंदर सुंदर एंटिक पॉट होते हैं तो वो ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन करना आता है आपको। या फिर जो ऐसे डिज़ाइन होते हैं पैटर्न डिज़ाइन, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ये सब आपको करने को बोल सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया, जो भी एग्ज़ाम के कुछ सब्जेक्ट्स, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे है मैंने बताया। तो आपको ऐसे जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ लाइन ड्राइंग है। गाइस, जितने भी मैंने कंपोजिशन के सब्जेक्ट आपको बताए, वो सारे कंपोजिशन आप जो भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो सबको प्रैक्टिस करके रखना होगा। बाय चांस वो डिज़ाइन ना देकर कंपोजिशन दे सकते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग कंपोजिशन तो सब लोग प्रैक्टिस करो, ह्यूमन कंपोजिशन, उसके साथ जो मैंने लाइन ड्राइंग आपको दिखाई ऐसे, तो ऐसे लाइन ड्राइंग से भी आप कंपोजिशन प्रैक्टिस करो, वाटर कलर से भी करो। इसके साथ जो जो डिपार्टमेंट डिज़ाइनिंग के हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन आपको दिखाई, ये सिर्फ एग्जांपल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने चार कलर यूज़ किया है, वो आपको पोस्टर कलर से करना हो। गाइस, ये हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की बात, कैसे एग्ज़ाम होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइस, ये तो हो गई एग्ज़ाम की बात, अब एग्ज़ाम के होने के बाद क्या होता है, मतलब कितने लोग एग्ज़ाम देने आते हैं, 1,500, 2,000, 2,500 इतने स्टूडेंट वहाँ पर एग्ज़ाम देने आते हैं। लेकिन क्या इतना स्टूडेंट की सीट कॉलेज में होती है? नहीं, जो 7 डिपार्टमेंट में सीट होती है, कहीं पर 13, कहीं पर 20, कहीं पर 15, कहीं पर तो 10 सीट होती है, मतलब सिर्फ 10। तो जो लोग एग्ज़ाम देने आते हैं वहाँ से होती है सिलेक्शन। मैक्सिमम किसी डिपार्टमेंट में 20 सीट होगी, किसी में 18, किसी में 15, किसी में 13, किसी में 10, तो ऐसे होती है डिपार्टमेंट वाइज। जनरल की अलग सीट, SC ST के लिए कुछ सीट अलग से होती है, तो जो लोग SC ST होंगे उनको थोड़ी सी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम हो गया आपका, उसके बाद होती है सिलेक्शन। कॉलेज अथॉरिटी सिलेक्ट करते हैं किसकी ड्राइंग अच्छी है, किसकी मॉडल स्टडी अच्छी है, किसकी डिपार्टमेंट वाइज जो एग्ज़ाम हुए है, कंपोजिशन हो, डिज़ाइन हो, लोगो वगैरह हो, क्ले मॉडलिंग हो, जिसकी अच्छी है दोनों मिल जाकर, तो दोनों अच्छी हो तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया। तो पहले ही 15 नहीं, कुछ ज़्यादा सिलेक्शन होती है, जैसे कि 40 या 50 लोग एक डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं। पेंटिंग में 40-50, डिज़ाइनिंग में 40-50, स्कल्पचर वुडन लेदर में 40-50, ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद होती है नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो ये सिलेक्ट होने के बाद वेबसाइट में आपका लिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट होती है एग्ज़ाम, जो होती है थ्योरी एग्ज़ाम और ओरल एग्ज़ाम या फिर वाइवा। तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको थ्योरी एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। थ्योरी होती है आर्ट के ऊपर, आपने जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर, या फिर कुछ इंडियन आर्टिस्ट, वेस्टर्न आर्टिस्ट, बड़े बड़े जो पेंटिंग के नाम हैं। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो पूरा जो आर्ट के ऊपर ही आपका थ्योरी एग्ज़ाम आएगा। थ्योरी एग्ज़ाम देने के बाद उसके साथ ही आपको देना होगा वाइवा एग्ज़ाम, यानी कि ओरल इंटरव्यू जैसा। तो जो जो अलग डिपार्टमेंट के हैं सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होगा, और डिपार्टमेंट के ऊपर बेस करके आपको जो ओरल एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा या फिर वाइवा का क्वेश्चन होगा वो आपको पूछा जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंटली मेंशन कर दूँ, ड्राइंग के एग्ज़ाम के सिलेक्शन के बाद जो आपका लिस्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे थ्योरी या ओरल, उस दिन आपको बहुत सारा अपना जो ड्राइंग वर्क है, अपने जितने भी ड्राइंग किया है, पेंटिंग, स्केचेस, फिगर ड्राइंग, डिज़ाइन, जो भी आपने बनाया है, जो भी ड्राइंग किया है, सब अच्छे अच्छे जो काम है वो भी ले जाइए। मैं तो कहती हूँ सब ले जाइए तो अच्छा होता है, क्योंकि जो ओरल एग्ज़ाम या फिर वाइवा होती है वहाँ पर आपके जो वर्क वगैरह होंगे आपने पहले किया है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पर एडमिशन लेने के समय आपका कोई रिज़ल्ट का नंबर, मार्क्स, ये सब नहीं देखता। तो यहाँ पर आपने पहले कहीं ड्राइंग स्कूल में कुछ सर्टिफिकेट किया है, या फिर किसी ड्राइंग स्कूल में आपने ड्राइंग का प्रैक्टिस किया है, सीखा है, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कभी कहीं पर नहीं सीखे लेकिन बहुत अच्छे ड्राइंग करते हैं। मैंने भी कोई ड्राइंग स्कूल में नहीं ड्राइंग सीखा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी नहीं सीखा है, कहीं पर खुद से ही ड्राइंग किया है, तो उन सब के लिए है। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट या कोई ड्राइंग स्कूल का आपका कुछ बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं देखते वो लोग। अब सिर्फ अपना जो ड्राइंग है, जो कलेक्शन है आपका, जितना भी आपने काम किया है, डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बनाया है, सब आप लेके जाइए वाइवा में दिखाने के लिए। अब आते हैं वाइवा में आपको क्या पूछा जाता है या फिर कैसी होती है वाइवा। बहुत सारा अपना ड्राइंग वर्क, पेंटिंग वगैरह सब कुछ
उसके साथ आपको पूछते हैं ड्राइंग के ऊपर ही क्वेश्चन, जो आपने ड्राइंग किया है, जो भी डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया है उसके ऊपर कितना नॉलेज आपको है, आपको कुछ क्वेश्चन आपको वो पूछेंगे उसका आंसर देना है, कुछ भी पेंटिंग के ऊपर हो सकता है, आपने क्या सीखा है इतना दिन, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। और भाई भाई के ऊपर क्या क्वेश्चन करेंगे वो कोई नहीं जानता, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप बस स्मार्टली जो भी आप जानते हो वो आप आंसर कर दीजिए, एकदम ऑनेस्टली जो ट्रू रीज़न होगी आपकी सारे क्वेश्चन की वही आप कर दीजिए। सो ये तो हो गई पूरी जो जानकारी, एग्ज़ाम के पैटर्न, ड्राइंग एग्ज़ाम थियोरी एंड भाईबा जो इंटरव्यू वगैरह, ये हो गई। तो ये जो सिलेक्शन आपका लिस्ट आया था जितने भी लोग, इनके फिर से सिलेक्शन होंगे, जो थियोरी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, जो आपने भाईबा एग्ज़ाम दिया है, जो आपने आर्टवर्क्स दिखाए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर से सिलेक्शन होगी। आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद, तो उसके बाद आपको फिर से कॉलेज में जाना होगा, वहाँ पर जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो वो लोग बताएंगे जो प्रोसेस वो फिल करने होंगे, और एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बात मैं बता दूँ, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, इसलिए आपका जो फीस है वो थोड़ी सी कम है। उसके बाद से आप जो फाउंडेशन है उसका क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो सारे इतने दिन से चले आ रहे हैं, जो सिस्टम है कॉलेज की, जैसे एडमिशन प्रोसेस होती है, मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया है, मेरे पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। लेकिन स्पेसिफिक करके इस ईयर में 2020 में कैसे प्रोसेस होंगे वो कन्फर्मेशन अभी तक नहीं पता। ऐसा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन अभी कन्फर्मेशन नहीं है इसलिए आप लॉकडाउन है तो आप ऐसे प्रिपरेशन नहीं ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल ऐसे प्रिपरेशन लेके रखिए, क्योंकि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको उसका किसी को कुछ नहीं पता। आपका बैकअप में ये सब रहेगा प्रिपरेशन, आप इजीली जो एग्ज़ाम में आएगा वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये सब आप प्रैक्टिस करके रखो, सारे आर्ट वर्क्स आपने सिलेक्ट करके एक साथ रख दो, सिलेक्शन हो जाएगा, भाईबा में ले जा सकते हो। तो ये सब आपको बैकअप में करके रखना है। ये तो मैंने पूरा जो सिस्टम है उसको मैंने बताया। इस साल कैसे होगी इसका कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन आप वेबसाइट को चेक करना शुरू कर दो, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर वो आपसे शेयर करूँगी। तो अगस्त के फर्स्ट वीक से शायद एडमिशन जो शुरू होगी, एडमिशन प्रोसेस बाकी कॉलेज में भी शुरू हो सकती है जैसा कि सुनने में आया है। तो आप लोग जो भी कॉलेज में जाना चाहते हो, ये आर्ट कॉलेज हो या फिर बाकी जितने भी हो, रविंद्र भारती, विश्व भारती, इंडियन आर्ट कॉलेज, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारे जो वेबसाइट है उसको अभी चेक करना शुरू कर दो। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैंने सारे डिटेल्स को डिस्कस करने की कोशिश किया है इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी पर भी एसएमएस करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर आपके पहचान में कोई हो जो एडमिशन लेना चाहता है आर्ट कॉलेज में, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ड्राइंग रिलेटेड सभी वीडियोज़ देखने के लिए। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणिपात।